करते हैं। देखो राजा महाराजा की कोई गाड़ी दिखी है भाई, गाड़ी देखना। ये वो नहीं है भाई, आ चुके मूलचंद पे अपना पराठे खाने मस्त अपना। कहीं इतना स्मार्ट बंदा तुमने देखा है? साथ में ड्राइवर और साथ में तुम्हारा मालिक बैठा हो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। फोन तो सीधा करो, मैं काला क्यों आ रहा हूँ भाई? मैं इतना गोरा आ रहा हूँ ना, फोन ऐसे ही रहेगा। तू सारे एंगल ऐसा बना रखा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। स्वागत है फिर से आपका एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। थोड़ी सी अंदर से फील आ रहा था कि हाँ ब्लॉग चालू कर देता हूँ, एक हफ्ता हो गया ब्लॉग नहीं डाला। तो आज हम बना रहे हैं ब्लॉग और हम जा रहे हैं भाई दिल्ली। तो दिल्ली जा रहे हैं तो सबसे ऑब्वियस होता है आपको क्या दिखाना, वो होता है जाम। ये देखो भाई, और गाइस ये वही बंदर दिखा, बंदर बंदर का है वो बंदर, देखो बंदर। अरे ज़ूम करके दिखाना, फ्रंट कैमरे से बना रहा है। हां फ्रंट से बना। और गाइस ये वही गाड़ी है जो कि पुराने जमाने में जो होती है ना एंबेसडर उसका इंजन इसमें डला था, और बॉडी नहीं है। 2000 कौन सी मॉडल, 12। तो अभी तक देखो चल रही है, हम बोल सकते हैं हम एंबेसडर चला रहे हैं। अगर वहां से तार कट जाए तो गिर जाएगा। ये केले के पीछे कर रहे होंगे, यहाँ नीचे केले वाला होगा कोई? नहीं भाई, इनको रोड क्रॉस नीचे से करेंगे तो पब्लिक लात मारेगी। तो गाइस लेफ्ट में रखा करो, क्योंकि वहां से जाम निकलता रहता है। यहाँ पे रखोगे राइट में तो फंस जाओगे। कहोगे क्या है यार राहुल भाई, ऑल्टो ऑल्टो में घूमते रहते हो और अमीरों वाली ड्राइवरों वाली बात कर रहे हो आप। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए ना तो बंदे को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपनी जो रूट्स होती है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हमारी रूट्स इससे शुरू हुई है तो हम नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात, इसका फायदा ये है भाई, व्लॉग बनाने दो यार। ये अब देखो यहाँ से ऑटो निकलते हैं, हम ऑटो वाली लाइन से भी भाई इस गाड़ी को निकाल सकते हैं। अगर तुम ले और कोई गाड़ी, इनोवा जैसी गाड़ी भाई पे, इनोवा भी अब देखो वो नहीं चलाते, ये चलाते, क्योंकि ये हर जगह से इजीली निकल जाती है। देखो अब, और भाई टच भी कर जाए तो यहाँ पे दुख नहीं होता कि हाँ भाई क्या हो गया, टच ही तो करी है। उतर के भी नहीं देखा भाई हमने। यही आपकी कोई महंगी गाड़ी होती वो ऐसी कैसी पड़ी रहती। चलो हमारे पास भाई कौन सी गाड़ी बोल लो वो गाड़ी है, इनोवा से, वरना से, बलिनो से, अमेज भी है राहुल भाई पे और युवाज भाई पे, सारी गाड़ियां हैं हमारे पे। लेकिन हम स्विफ्ट भी है पुलकित भाई वाली, स्विफ्ट भी है, लेकिन स्टिल हम ऐसी गाड़ी चलाते हैं जो हमारे को थोड़ा कन्वीनियंस दे। बढ़िया गाड़ी है भाई, कहीं भी काटो कुछ भी करो। ये किसने बंद कर दिया? देखो ये भी बंद हो जाता है, इसकी भी टेंशन नहीं होती हमारे को। अब खोल रहा हूँ। सही दिख रहा है, मेट्रो से चले ऐसे नहीं तो पीछे गाड़ी लग जाए। कह रहा भाई यार ये झंडे जो भगवा रंग के झंडे जो 22 तारीख को हमारे श्री राम जी विराजमान होंगे अपनी जगह पे, ये हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है जो जैसे झंडों पे भगवान श्री राम जी की फोटो बनी हुई है, अभी हम गाड़ी के आगे लगाएंगे, छत पे लगाएंगे, तो ये भगवान जी का ऐसे थोड़ा अनादर है, निरादर है, वेद भी बोल सकते हैं। तो ये इसलिए मेरा मानना है कि भगवा कलर के हो, उसमें भगवान जी की फोटो ना हो, बाकी तो सही है। हाँ ये होना चाहिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप झंडे लगाओ। लेकिन अगर आप भगवान श्री राम की जिन पे फोटो है वो भी लगा रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसको ऐसे फोल्ड करके अपने घर में रख लेना, ये ना हो कि वो लगे रहे और फिर डिसरिस्पेक्ट होती है। सही बात है भाई। तो गाइज दो दिन बचे, दो दिन बाद दिवाली है, आपने मनानी है, हम लोगों ने मनानी है, अपने घर पे दिए भी है प्रॉपर जलाना, और जैसे दिवाली होती है ना वही पटाखे उससे बढ़कर ही बनाए। देखो ऐसे कट लग जाते हैं इस गाड़ी से, अगर ये इनोवा होती वो लग ना पाते भाई, यहाँ से नहीं निकलेगी। जब हम अम्बेसडर की बातें करते हैं, ये देखो राजा महाराजा की कोई गाड़ी दिखी है भाई, गाड़ी देखना। ये वो नहीं है, आपको लगे शादी वादी वाली है, वो वाली गाड़ी नहीं है भाई, भाई ये किसी प्रॉपर राजा रूजा की गाड़ी है जो अपने ऐसे महल में चलाता होगा बस, क्योंकि इसका नंबर प्लेट वगैरह भी, नंबर प्लेट होती तो अभी देख लेते किसकी गाड़ी है, नंबर प्लेट नहीं है। और ट्रक भी नया है पूरा, लगता है किसी ने गाड़ी के साथ खर्चा किया ट्रक का। ट्रक भी ले लिया भाई, इसके अलॉय देख रहा तू कैसे बाहर निकले, बड़े रोल्स रॉयस जैसे अलॉय है, कहीं रोल्स रॉयस तो नहीं पुरानी वाली, मुंह से निकल नहीं रहा तेरे से रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस ही तो होता है। 2 लाख की गाड़ी में बैठ के रोल्स रॉयस की बातें कर रहा है, देख 2 लाख की तो इज्जत दी है इस गाड़ी को, तो अपनी गाड़ी भाई जो रेट है।
देखो गाइस भाई क्या भाई बहुत लंबी आ गई थी, बहुत लंबी, लंबी बहुत है। पूरे ट्रक के बाहर है, ट्रक कितना बड़ा है उसके बाहर आ रही है। साइड से दिखाता हूं, तुम ठोक मत दियो बस। उस सायरन भी लगा हुआ है ट्रक में भाई। भाई राहुल बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी गाड़ी है देखो। ये देखो गाइस ये है कोई ऐसी बढ़िया पेंट हो गया, ये पूरी पेंटेड है भाई। पेंटेड है हाँ, पता लग गया पुरानी जेके टायर रीस्टोर हो रखी है ये। वाह भाई वाह, गाड़ी अच्छी है। गुड डे टू अस या अनुने भाई की तरह। ये डिग्गी है, डिग्गी पीछे देखना। हाँ पीछे डिग्गी है, बढ़िया सी हो हर डिग्गी भी, क्या क्लास ही। मैं तो अपनी कुड़ी, मैं अपनी कुड़ी को ब्याह के इसी में लेके आऊंगा। अपनी कुड़ी को मतलब अपनी बेटी को ब्याहेगा? मेरी कुड़ी बोल देना मम्मी की बहू। मम्मी की तो बहू तो मेरी कुड़ी हुई। तेरी कुड़ी तो तेरी बच्ची हुई ना साले, मुंडी होती है वो, मतलब कुड़ी कुड़ी भी, कुड़ी भी लड़की होती है। लड़की तो सारी होती है, कुड़ी मेरी कुड़ी यार, तू समझ जाओ। ओके 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 समझ गया ना, आपने भी समझ गया। ओके भाई ये क्या लगा रखा है इसका, ये देखा ये लाल टेन सा कहां है, अंधेरा हो जाता था इसमें लाइट। गेट देख, गेट देख कैसी है भाई। भाई कुछ अभी भी लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ऐसे पुराने उसका एक्सपीरियंस अभी भी लेना होता तो वो खूब खर्चा करते हैं। इसमें लाइट नहीं होगी, ऐसे हाथ से आगे लाइट दिखाते हूं मैं, देख लाल टेंट टंगा रखा है ना, दिखा जूम तो कर लाल टेंट पे देख। ये रहा, ये ऐसे उतरती होंगी रानी, उतरती होगी साथ में ऐसे लाल टेंट उतर के, राजा जी आए पधारे भाई। लेकिन गाड़ी अच्छी लगी, कुछ भी का उन्होंने अच्छी है, पता नहीं मॉडल पता लग जाए हमें तो, लोग सारे देख रहे हैं। मॉडल वॉडल नहीं है, हां ये किसी ने रिस्टोर विस्टोर करके बना रखी है, 80 साल की हुई है। सब देख रहे हैं, देखो सामने सामने ये वाला गाड़ी वाला भी देख रहा है, सब देख रहे हैं सब। आई कैचर गाइस, जब बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है ना फिर बंदा ऐसा हो जाता है, ऐसा पीछे बैठ के घूमता रहता है। तो गाइस अपने 10,000 साल बाद हम पहुंच चुके हैं भाई जामा मस्जिद की मार्केट में। अभी हम पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और पूरा जामा मस्जिद मेरे को सामने दिख रहा है। और भाई ने मेरे को बोला आज तेरे को दिखाऊंगा, ऐसा लगेगा कि तू भाई पाकिस्तान में पहुंच गया। तो गाइस आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं, मैं तो पहली बार जा रहा हूं अंदर जामा मस्जिद के, तो भाई आते रहते हैं, मेरे को पहली बार लाए अंदर। नमाज ही उड़वा देंगे, नहीं नहीं नमाज क्यों पढ़ेंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे भाई। गाइस वेलकम टू जामा मस्जिद, मस्जिद में घुसते ही झंडे ही झंडे, भगवा झंडे, जय हो पीपल देवता। ये चुआ चुआ ओ चुआ। तो गाइस हमने ले चुके हैं टुक टुक, क्या दिखा रहा है, बूम बूम थाईलैंड आ चुके थाईलैंड। लो जी पहुंच चुके हैं दिल्ली की तंग गलियों में, ओल्ड दिल्ली। भाई यहाँ खुले में पटाखे बिक रहे हैं, देखो पटाखे ही पटाखे हैं। और हमारे फरीदाबाद में आओ तो पटाखे ही नहीं देता कोई, वहाँ तो बैन है, और यहाँ खुले में बिक रहे हैं। भैया हेलो कर दो, हेलो हेलो। ओके भाई, भाई रिक्शे वाले को डिच करके हम आ चुके हैं पैदल, क्योंकि लग रहा था बहुत जाम। डिच किया ऊपर से पैसे दिए 20 रुपए। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल, ये देखो खाली पड़ा है पूरी, और वहाँ उसको पैसे दे फ्री में 20 रुपए। ये देखो हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद। होटल का नाम बता, दिखाऊं? शाका। अभी एक होटल का नाम है, एक होटल का नाम है ए अल्लाह चला दे होटल, ए अल्लाह चला दे होटल नाम है। क्या बात है। तो गाइस ये वही लेन है जो वो रूह अफ़ज़ा वाला फेमस नहीं होता, वाटर मेलन डाल के रूह अफ़ज़ा मिलता था, वो वाली लेन है ये। कहाँ जाना है? चलो गाइस अब मैं यहाँ से होने के बाद मिलता हूँ तंग गलियों से। भाई ये देखो गाइस भाई, ये पीछे पूरी मार्केट चल रही है और हम बच चुके हैं यहाँ पे, इतना जाम है, इतना जाम। और ये देखो मैं ऐसे बैठा हूँ, ये सामान लोड किया हुआ हमने, और ये पीछे हमारे जामा मस्जिद चल रहा है। देखो ये जय हो जामा मस्जिद। ये अंकल है जिन्होंने हमारे को सेव कर दिया जाम से, हम फंस चुके थे जाम में, अंकल ने हमें घुमा के हमें सीधा यहाँ पे परिक्रमा करवाई, आज पूरी जामा मस्जिद की परिक्रमा करा के हमें यहाँ पे छोड़ दिया पार्किंग में। अब अपना माल अनलोड कर रहे हैं, अंकल को फ्री करते हैं पैसे देके, और अपना चलते हैं घर। घर पे कस्टमर खड़ा है।
कस्टमर को ला रहे, दे रहे, 2 मिनट में आ रहा, 2 मिनट में आ रहा। यहाँ लड़का दिल्ली आ गया फरीदाबाद से। देखो ऐसे माल आता है। जब हम निकल चुके हैं अपना जामा मस्जिद से, पीछे आपने देख लिया माल पड़ा हुआ सारा गाड़ियों का। तो अब यहाँ से हम निकल के चल चुके हैं अपने वापसी अपनी मंजिल की ओर। तो देखते हैं आगे कुछ खाने पीने जाएंगे तो व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, हुआ तो नहीं तो अपना घर जाते हैं और अगले दिन व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आगे जैसे भी होता है आपको मिलते हैं। भाई देख के चलाओ आप, थोड़ा ऑफ राइडर मत बनो। देखो आमरस दिखाओ हमारे, पिलो पीछे जगह खत्म हुई तो आगे रख ली। ये देखो गाड़ी पैक्ड पड़ी है पूरी माल से। 6,000 रुपए का माल है, 6-7 हज़ार रुपए का, 6-7 हज़ार रुपए का, 40,000 रुपए का माल है, 1.5 लाख कमाएंगे अब इससे। समझ जाओ भाई इस कितना कमाई है, बहुत ज्यादा। जी भाई आ चुके मूलचंद पे अपना पराठे खाने, मस्त अपना खाएंगे यहाँ पे। आलू प्याज का पराठा, पनीर का पराठा। हमारी गाड़ी जा रही है शायद भाई। लंगर में लगा लाइन में भाई, कितनी भीड़ है, कितनी लंगर पैसे दे के खा रहे हैं, ऐसे हाल है देखो। अरे मत कर यार, इतने परांठे जा रहे हैं, एक आधा इसने गौतम ने बीच में मोया मोया कर दिया उसको, कह रहा अब नहीं धोता तेरे को, मोए मोए कर दिया उसने, मेरा परांठा ही नहीं दे रहा। ऐसा मत कीजिए यार, नहीं है पैसे भैया, दे दो एक चीज। गाइस देख लो कुछ लेना है क्या पीने का? गाड़ी तो नहीं उठा ली हमारी, नहीं गाड़ी वो तो मैन मशीन वो क्या बोलते हैं वही चली गई भाई, यहाँ तो जगह ही जगह तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ बना लेते हैं। तो चलना गाड़ी भी खाते हैं फिर, तो मिलते हैं अपना टेस्ट देसी चीज पराठा और आलू प्याज पराठा खा के थोड़ी देर में। मूलचंद पराठा, मूलचंद पराठा, और आंखें भी चंद कर सकते हो आप। गाइस चलो खा के मिलते हैं। एक बार और रिफिल कर दिया आलू प्याज का पराठा और मस्त पाव भाजी, डबल डबल शिफ्ट लगाएंगे दोनों चीजें होगी। ओके भैया बढ़िया, डाल दो इसमें बटर, बटर नहला दो इसको बटर से, जहाँ तेरे को खाली दिखे वहाँ ले ले कैमरा साफ, जहाँ से तेरे को मौका दिखे पार करने का वहाँ से पार कर दे, बीच में से ले जाए यहाँ से। एक बार राहुल जाके हटा दे भाई, मेरे बस की ना है। अरे एक बार शांति से जाओ और हटा दे, मैं तो कहता हूँ। डंडा तो वहाँ भी है, डंडा नहीं है, अगर डंडा नहीं है भाई एक बार यार शांति से थोड़ा सा लात मारो, मैं भगाता ले जाऊंगा। वो देख बस, अरे इमरजेंसी है भाई। वो इसके साथ बराबर में वो पीछे वाले निकले जा रहे हैं। अरे यार ये हमारी लाइन स्लो है। गाइस अभी आपको दिखाते हैं कैसे टोल को पार करें बिना पैसे दिए। अरे यार उस साइड लेना पड़ेगा यार, लाइन चल रही है, चल तो रही है, लोग जाए जा रहे हैं। अरे यार तू वो हटा देता है, यहीं पे रहो गाइस, यहीं पे रुके रहो हमारे साथ, बिना अनकट डालेंगे गाइस, आपको भी ये टैक्टिक्स सिखा देंगे हम। क्या टैक्टिक्स? टैक्ट होता है टैक्ट। ओए ऐसे मत दिखा, शक्ल दिख जाएगी उनको हमारी। सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ चिपका के रखनी है ऐसे, इस गाड़ी वाले जैसे अभी ये चिपकी ना ऐसे के ऐसे चिपका के पार कर दो। वो बंदा देखता रहे ये क्या हो गया। इस गाड़ी वाले का धन्यवाद करो सब। ये भाई HR51CJ0105 बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा टोल बचाने के लिए। कहीं पता चले नंबर पे कट गया अपने आप। नंबर पे पैसे तो नहीं चाहिए। अरे गाइस तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पहुंच चुके हैं घर भाई, बस फरीदाबाद की धरती पे लैंड कर चुके हैं, बस 2-4 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे भाई भी और मैं भी। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब और भाई कर देना भाई शेयर। लोमड़ी कह दे लोमड़ी। Dance through the highways till my shadow turns to sun rays and I